गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। दोस्तों, आज है 15th of March, डे है फ्राइडे, और आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में 50 पेंस का नया सिक्का जारी किया? भारत, चीन, ब्रिटेन या नेपाल? तो इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने, जो स्टीफन हॉकिंस है प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उनके सम्मान में 50 पेंस का नया सिक्का जारी किया है। और ये जो सिक्का है दोस्तों, उसके ऊपर जो चित्र बना है वो है ब्लैक होल का। जो ब्लैक होल थ्योरी है वो दी थी कैप्टन स्टीफन हॉकिंस ने, ठीक है। किसने दी थी? स्टीफन हॉकिंस ने दी थी ब्लैक होल थ्योरी। और वही जो डायग्राम है वही बना है उस सिक्के पर, 50 पेंस के सिक्के पर। और ये नया सिक्का है 50 पेंस का, जो मेनली स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में भी जान लेते हैं कि ब्रिटेन जो है उसकी कैपिटल है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ के PM है थेरेसा मे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? ब्रिटेन के बारे में याद रखनी है। तो बताइए, किस देश ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में 50 पेंस का नया सिक्का जारी किया है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल 2019 का मेजबान कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रियाद या कतर? तो इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का मेजबान देश है। कौन सा है? UAE। थोड़ी जानकारी हम UAE के बारे में भी ले लेते हैं। यहाँ का कैपिटल क्या है? वो है अबू धाबी। UAE का कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ की जो करेंसी है वो है UAE धिरम। करेंसी क्या है? UAE धिरम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिल जयद अल नयन। खलीफा बिल जयद अल नयन यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतना हमें याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एक दिवसीय श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीत ली, जिसमें किसे मैन ऑफ द सीरीज चुना गया? उस्मान ख्वाजा, रिकी पॉन्टिंग, रविंद्र जडेजा या शोएब अख्तर? तो इसका सही उत्तर है ए, उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एक दिवसीय श्रृंखला जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, और मैन ऑफ द सीरीज कौन चुने गए हैं? उस्मान ख्वाजा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत को किस समझौते में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? नाइस समझौता, वियना समझौता, लोकार्नो समझौता या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है डी, केंद्र सरकार ने भारत को नाइस समझौता, वियना समझौता, लोकार्नो समझौता, तीनों ही समझौते में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व में किडनी दिवस के रूप में मनाया गया? 13th March, 14th March, 15th March या 11th March? तो इसका सही उत्तर है बी, 14th March को किडनी दिवस के रूप में, वर्ल्ड किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, किसे 14th March को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। और इस बार की जो थीम थी दोस्तों, वो थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इस बार की थीम थी। और किडनी दिवस मनाना 2006 से स्टार्ट किया गया है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? किडनी से होने वाले रोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले और ये भी पता चले कि हम अपनी किडनी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th March किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता की घोषणा की है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो इसका सही उत्तर है बी, नेपाल। भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता किसके लिए घोषणा की है? नेपाल के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देख लेते हैं कि नेपाल की कैपिटल क्या है,
काठमांडू, नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया, और नेपाल के हाल ही में सीएम पीएम कौन है, तो वो है केपी ओली। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, मुंबई, वॉशिंगटन डीसी या लंदन? तो इसका सही उत्तर है सी, वॉशिंगटन डीसी में नवी भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट दोस्तों, कि भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा अमेरिका, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सुरक्षा वार्ता हुई है, इसी के तहत कहा गया है कि भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे अमेरिका के द्वारा। तो ये वार्ता कहाँ पर हुई, ये वार्ता हुई वॉशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों 70 वर्ष से अधिक के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई ने स्टार्ट किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो 70 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा स्टार्ट करी गई है। यहाँ पे अब हमें थोड़ा एसबीआई के बारे में भी जानना है दोस्तों। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एसबीआई के हाल ही में अध्यक्ष कौन है, तो वो है रजनीश कुमार, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए पारित विधेयक पर किस देश ने वीटो पावर का उपयोग किया है, भारत, अमेरिका, चीन या जापान? तो उसका सही उत्तर है चीन, सी चीन ने। चीन ने एक बार फिर जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से बचा लिया है। चीन ने यूएन में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो पावर का यूज़ करके ऐसा किया है। ठीक है दोस्तों, यूएन जो है उसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे हम फ्रेका से याद करते हैं, फ्रेका से कैसे याद करते हैं, एफ आर ई सी ए से, आप इन 5 स्थायी सदस्य को याद कर सकते हैं। फ्रांस, एफ से क्या है, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका, ये 5 जो सदस्य हैं स्थायी सदस्य है दोस्तों यूएन के, और इनमें से इन 5ों के पास होता है वीटो पावर। और ये जो आप सभी जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर कौन है, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसका मास्टरमाइंड है ये, इसे हमने पहले भी, मतलब ये 4थी बार था हमने इसे आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 4थी बार चाइना ने अपना वीटो पावर यूज़ करके इसे आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कल का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया, तो इसका सही उत्तर था बी, पोखरण, राजस्थान में डीआरडीओ ने पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है कृष्णा प्रताप ने, वेरी वेल डन। अब चलिए आज का देख लेते हैं। आज का सवाल है, हाल ही में मदर टेरेसा की जीवनी पर बनी फिल्म का क्या नाम है, मदर टेरेसा द गोल्डन लेडी, मदर टेरेसा द संत, गॉड्स ऑफ पुअर पीपल्स, मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता? इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लिखते हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।